लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंजेक्शन और दवाई मैंने दी नहीं, क्योंकि इंजेक्शन और दवाई देने से सरिता की बीमारी ठीक हो जाए ऐसी बीमारी उसे कोई है नहीं। मतलब ये कि सरिता बहू को कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका मैं इलाज कर सकूं। उसे बेटे से बिछड़ने का गहरा सदमा लगा है और यह सदमा उसकी जान भी ले सकता है। इसका तो एक ही इलाज है कि तुम किसी तरह अपने बेटे को वापस घर पर बुला लो। बुला लो बेटा। राजू, मुझसे और नहीं चला जाता। बस और थोड़ी दूर। बहुत थक गई हूँ। बिट्टू, ये देखो। ऐसा करते हैं, यहाँ कोशिश करते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। ये बड़ी हवेली है, कोई ना कोई तो होगा ही। हेलो, अरे भाई, हम असली लगे भाई, हम रामायण पढ़े बिना हड्डियाँ नहीं पकड़ा। जी, हाँ, पूरी के चौबे। जी, धन्यवाद। दिल्ली वालों ने कितना माल मंगवाया है? 3 किलो। 3 किलो। और बॉम्बे वालों ने? 1 किलो। 1 किलो? जी। क्या फायदा है इतनी मेहनत करने का? अरे हम 100 रुपए के नोट 50 रुपए में बेच रहे हैं ताकि देश की जनता मालामाल हो सके, गरीबी दूर हो सके। अरे हम सोशलिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, नोट छापने में सरकार की मदद कर रहे हैं, और ये बेशर्म नालायक निकम्मे बॉम्बे वाले सिर्फ 1 किलो का ऑर्डर देते हैं। छी 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 छी। मार्केट ठूस हो गया मान्यवर। आजकल हर शहर में नकली नोट छपित है। ससुरी खड़गपुर वाले 25 रुपए में बेचे थे। नालायक देशद्रोही। अरे ये लाइट ऑन, इसका मतलब दरवाजे पे अपने लोग नहीं है। क्यों भाई, जाके देखो। कहा है? यहाँ रात भर ठहरने की जगह मिलेगी? हाँ मिली। देखा, यहाँ सीधा सड़क पे 3 माइल दूरी पे एक सरदार का ढाबा है, वहाँ तो का जगह मिली। देखिए, मेरी वाइफ जो है बहुत थकी हुई है, अगर आप आज रात हमें यहाँ। ठहरा, हम साहब से पूछ के आए थे। ठहरा, हमें भी वो मुसाफिर ना ही लागत। तो का लागत है? लगित है कोनो पुलिस का आदमी है। पुलिस? हाँ, पुलिस। उन्हें कैसे मालूम हम यहाँ है? शायद आपका कोनो दुश्मन मुखबरी की इमरहन। हो सकता है वो अकेला आया है? ना ही, साथ में को लड़की है। लड़की? हाँ, कहते हमार बीबी है, पर हमका बीबी ना ही लागत। न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। ये बात है, पूरी कहानी बना कर लाया है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शंकर सिंह है। उसे अंदर बुलाओ, उसकी खातिर करो, अच्छी तरह खातिर करो। चौबे, उसके अंदर आते ही अपने आदमियों को चारों तरफ भेज दो और पता करो पुलिस वाले कहां छुपे हैं। वो हमें बेखबरी में मारना चाहता है। उसे पता नहीं वो खुद कितना बेखबर है। उसे ले आओ। मैंने भी यही किया था और मेरे साथ भी यही हुआ था। आपने तो अभी तक अपना शुभ नाम नहीं बताया। राजेश। अपना असली नाम क्यों बता रहे हो? इससे क्या छुपाना, ये टीसी थोड़ी है। और आपका नाम? जी, मेरा नाम रितु है। बहुत ही अच्छा नाम है। आपने अपना परिचय नहीं कराया? नहीं कराया? ओह, क्षमा कीजिए, मेरा नाम है धीरेन्द्र चंद्र चट्टोपाध्याय। वैसे कोई इस नाम पर यकीन नहीं करता। क्यों? नाम भी ऐसी कोई चीज है जिस पर यकीन ना किया जाए। हमारी बदकिस्मती है, एक बहुत बड़ा बदमाश है, जलील ठग, डाके डालता है, नकली नोट बनाता है, स्मगलिंग करता है, तो चार खून भी कर चुका है। पुलिस उसकी तलाश में है। आपने तो उसका नाम सुना ही होगा, शंकर सिंह। हाँ, सुना तो है।
वही शंकर सिंह मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शंकर सिंह की शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। इसलिए बहुत से अनाड़ी धीरेन्द्र चंद्र चट्टोपाध्याय को शंकर सिंह समझ लेते हैं। आपको तो यह गलत फहमी नहीं है ना? नहीं, नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है। यकीन? मेरा मतलब आप शंकर सिंह नहीं है, आप वीरेंद्र चंद, जितेंद्र चंद, वीरेंद्र चंद चट्टोपाध्याय। वही वही। मुश्किल नाम है ना? ये क्या, अबे हाथ रोक लिया, खाइए। बस अब पेट भर गया। आप भी खा चुकी हैं? जी हाँ। और कुछ? नो थैंक्स। तो फिर जाइए, आराम कीजिए। चूरी पूरी के चौबे। जी मान्यवर। राजेश साहब को ऊपर पहुंचा दो। आइए आइए। थैंक यू सर। ये रात हमें हमेशा याद रहेगी। हमें भी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब हमें हनीमून मनाने से कौन रोक सकता है? राजू, तो राजू प्लीज ठहरो ना। सुनो तो, वो ये जो आदमी है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा मौका दिया हमें। प्लीज एक बार देखो तो सही, नीचे क्या हो रहा है। क्या देखूं मैं नीचे? देखो ना कि, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके। अच्छी तरह छानबीन की? हम लोगों ने बहुत तलाश की बॉस, दूर दूर तक देख लिया गया बॉस, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नजर नहीं आया जिस पर पुलिस होने का शक हो सके। इसका मतलब है अकेला आया है। मान्यवर, साथ में को बालिका भी है। बालिका पुलिस वाली नहीं लगी। का सोच पा? आज्ञा हो तो ससुर दोनों को खत्म करवा दिया जाए। खत्म तो करना ही पड़ेगा, उसने हमारी शक्ल भी देख ली और ये अड्डा भी। मेरा नाम है शंकर सिंह, एक बार मुझे एक सांप ने काटा था। हा? सांप मर गया। पकड़ो, पकड़ो उसे। रितु, तुम्हारा शक सही निकला, वो आदमी तो शंकर सिंह है। शंकर सिंह? यह वही आदमी है जिसकी वजह से अपनी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। चलो चलो, दोनों को खत्म कर दो। चलो लाइट ऑन। चोवे चोवे, जाके देखो कौन है। तुम लोग यहीं ठहरो। पुलिस, मान्यवर, पुलिस पुलिस पुलिस। चौबे, अपना सारा सामान अंडरग्राउंड करो। तुम लोग खूब ये रास्ता से निकल चलो। चलो 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 जल्दी मान्यवर, जल्दी। साहब, ये शंकर सिंह का आदमी है। अरे मैं शंकर सिंह का आदमी हूँ। गब्बर सिंह भी ऐसा बोलता था, जो कुछ बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन में। चल चल, मेरी बात सुनो। चल चल, अशोक जगन्नाथ राणे। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर विक्रम थापर, मैं बंबई से आया हूँ। सर बैठो बैठो। रिपोर्ट मिली है आपने शंकर सिंह के अड्डे परेड की थी, उसके दो साथी पकड़े गए। यस सर। क्या वो इस वक्त यहीं हैं? यस। पांडु जी, सर जाओ, शंकर सिंह के आदमियों को लेकर आओ। आपने उनके स्टेटमेंट ले लिए? यस सर। मगर दोनों कहते हैं कि शंकर सिंह के गिरोह से उनका कोई संबंध नहीं, और उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो हवेली डाकुओं का अड्डा है। दोनों वहाँ जगह मांगने के लिए गए हुए थे, और कहते हैं हनीमून के लिए निकले हुए हैं। हनीमून? जी। क्या साथ में लड़की है? यस सर। साहेब, दोनों को लाए। लीजिए, वो आ गए। राजेश, तुम? अरे थापर साहब, आप यहाँ? अरे क्या तुम्हें शंकर सिंह का आदमी समझ के पकड़ लिया गया? यही तो रोना है। मैं कब से इन्हें कह रहा हूँ कि मैं शंकर सिंह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरी बात मानते नहीं। लेकिन ये लड़की? सॉरी रितु, थापर साहब, ये मेरी पत्नी। नमस्ते। सॉरी मिस्टर राजेश, आपको खामखा ही परेशानी उठानी पड़ी। इंस्पेक्टर मिस्टर राजेश है जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये बंबई के मशहूर सिंगर हैं, भला इनका शंकर सिंह के गिरोह से क्या वास्ता हो सकता है? आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनकी जमानत मैं देता हूँ। मिल गया, मिल गया। मुरारी, लीला, अरे कहाँ हो? जी पिताजी। ये देखो लीला, तुमको बहकाने वाला बदमाश मिल गया है? ये तो कैलाश का फोटो है, इसको ढूंढने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम है।
लगता कुछ गड़बड़ है। जो भी हो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मुरारी हमारी गाड़ी तैयार करो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ। और कामनी तुम कहाँ हो? हम तुमको ढूंढ निकालेंगे। हम भी अंग्रेज के जमाने के जेलर थे। अरे क्या बोलता है? अयो हमको भी नहीं मालूम जी। कमाल है, ये मत भूलो कि तुमको घर बसाना है, 1,00,000 रुपए चाहिए, जल्दी चलो। मुरारी गाड़ी रोको, वो देखो रीरू और जय। रीरू और जय? नहीं पिताजी, ये रीरू और जय नहीं है, ये तो राम और बलराम है, वीरू और जय के बेटे। जितमाया आपका वीरू और जय के बेटे राम और बलराम, ये इतने बड़े हो गए और हम वहीं के वहीं। अजीब मुसीबत है, एकाएक गाड़ी कैसे बंद हो गई, देखता हूँ। अरे बाप गरम, अरे बाप, अरे है पन वाट फोर कलर्स, क्या हुआ चौरंगी? पानी खत्म हो गया, अब क्या होगा सर? माई हेड सर्च वाटर। सर्च? यस। सर्च क्या सर? अरे वहाँ क्या ढूंढ रहा है, पानी ढूंढो। पानी? हाँ कहाँ पानी? पानी के पान बनारस वाला खुल जाए बंद। CIT some children dancing there, come on come on, खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो। आपके पास पानी है? आर यू वॉटर? पानी मिलेगा? पानी पानी। तू आपस बात क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ। तुम सोचते मुझे चढ़ गई है? नहीं नहीं, हमारी गाड़ी में पानी खत्म हो गया है, इसलिए पानी चाहिए पानी। तो इतने जोर से क्यों बोल रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। हमारा जितना पानी था ना, हमने भांग में डाल दिया। भांग का पानी चलेगा? चलेगा चलेगा, गाड़ी ठंडी करनी है ना। क्विक मैन क्विक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे इसमें तो बहुत है और बोला थैंक यू। थैंक यू। गुंडे मारता है, गुंडे मारता है, क्या क्या हो रहा है सब? अरे अपनी की तो हो चुकी है, अब देखूंगा तुम्हारी क्या क्या होती है। ये क्या हो गया? कहीं मोटर को फंस तो नहीं कर गई? सर जी, सर जी, आसमान जमीन एक दिख रहे हैं। आसमान जमीन, आसमान जमीन। पुलिस का बंदोबस्त भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस, किधर पुलिस? पुलिस, पुलिस। अपना बदन संभालिए। नागिन की तरह मोटर पर खा रही है, दुल्हन की तरह फेरे लगा रही है। जिनके घर झोपड़ों के होते हैं वो दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालते जाने। अरे मगर हमरे दूध का तो होएगा वह पानी। वाह, ट्रक के ऊपर झोपड़ा। अरे ये तो कोई महान लीडर मालूम होते हैं, इलेक्शन में अपना निशान रखे हैं झोपड़ा। अरे वोट फोर झोपड़ा, वोट फोर का दे। अरे हमने दूध का होएगा वह पानी। अरे वोट की ऐसी बैसी, हमारी ऐसी तैसी हो गई। अरे ही गटर और ये पानी, ये पानी और ये गटर, आधा मालिक मिलाए थे, आधा हम मिलाए थे। गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? अंग्रेजों की तरह चलाओ, ये बैल गाड़ी नहीं है। जो आ गया पिताजी, चल इंडिया बेटी। भैया साइड है, अबे हमारी गाड़ी को बैक करने कहता है,
ये अंग्रेज के जमाने की गाड़ी है, रानी विक्टोरिया ने हमारे बाप को दी थी। एक दूसरे के लिए का वास्तु और सपना कुंभ लाख रुपए के पीछे है। कौन है पिताजी, पता नहीं कौन पागल है। अयो पागल बोला तू, पागल, तेरा बाप पागल, तेरा खानदान पागल। अबे मार डालूंगा वास्तु अपनी सपना के साथ, भाग जा।